हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दो तीन दिनों से मतलब दिल में चल रहा था कि शिरडी को जाओ, बट छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो पुणे में ही एक प्रति शिरडी मतलब छोटा शिरडी गांव ही हम कह सकते हैं उसको, वैसा ही मंदिर है, टेंपल है यहाँ पे। तो आज सोचा संडे है तो जाकर आते हैं, आज के दिन छुट्टी, एक दिन में जाकर मतलब बहुत नज़दीकी है मेरे यहाँ से, बट एक्चुअल शिरडी बहुत दूर है यहाँ से, तो 4 घंटे लगते हैं एक्चुअल शिरडी में जाने के लिए। सो मैंने सोच लिया था और मैंने आदित्य को बुलाया, अभी हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे आदित्य के बाइक पर, ये आदित्य की बाइक। सो हम निकल गए और आदित्य को रखा था मैंने वीडियो निकालने के लिए, चलो मैं दिखाता हूँ, ये भाई साहब वीडियो निकाल रहे थे मेरा। और अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में मतलब घर से वीडियो निकालना था बट मोबाइल को चार्जिंग नहीं थी तो पावर बैंक से चार्ज कर दिया मैंने, और अभी हम निकल रहे हैं, चलो। तो बेसिकली आज संडे है, संडे के वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड दिख रहा है, हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है, बट आज बहुत सारे लोगों को वीक ऑफ रहता है, ऑफिस से छुट्टी रहती है, तो इसके वजह से लोग भी बहुत क्राउड में यहाँ पे आए। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 4-व्हीलर पार्किंग का पूरा भर गया है, और यहाँ पे कुछ 2-व्हीलर्स लगी है, वहाँ पे भी कुछ 4-व्हीलर्स है, तो ये इस तरह से पूरा मतलब जाम हो गया है। ज़्यादा नॉइज़ नहीं आए इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में आया हूँ, क्योंकि अगर नॉइज़ आती है तो वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा साइड में आया हूँ इसलिए। और अंदर अभी मोबाइल अलाउड है शायद नहीं है, बट जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक हम वीडियोज़ अच्छे से ले पाएंगे। सो ये देखिए वहाँ पर भी 2-व्हीलर पार्किंग का है, वहाँ पे भी कुछ बाइक्स लगी है, सो ये सब रास्ते पे होता ही, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आती है। सो अभी हम जाएंगे अंदर, देखते हैं कितना क्राउड है और कुछ वीडियोस भी अच्छे अच्छे ले लेंगे। टेम्पल के मेन गेट पर आ गए, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं।
वो नहाने गया था, गीजर ऑन था मेरा, तो गीजर ऑन था, मैंने क्या किया तो नल चालू किया और पूरा गर्म पानी था, मेरे दोनों उंगलियां पूरे काम से गई अभी, मतलब उसके ऊपर धूप लग रही है ना तो बहुत तेज़ी से जलन हो रही है वहाँ पे। देखिए अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है और आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना है ना, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे लिखा है मुख दर्शन, मतलब वो विंडो से आप दर्शन ले सकते हो। ये देखिए यहाँ से से हमें अंदर जाना है, बट अंदर हम मोबाइल ऑन नहीं रख सकते, सो हमें मोबाइल बंद करके ही जाना पड़ेगा। बट बाहर आने के बाद बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सो पहले हम दर्शन लेकर आते हैं और उसके बाद बाकी की व्यूज आपको दिखाते हैं। हमें लगा था बहुत क्राउड होगा, हाँ क्राउड था, फिर भी 30 मिनट्स लगे हमें, हम 30 मिनट्स में हमने दर्शन ले लिया। अभी एग्जिट मारा है तो अभी जाते वहाँ पे आगे जाएंगे, और हमें लगा था कि कैमरा अलाउड नहीं है ना, कैमरा अलाउड नहीं था मतलब। अभी हमने प्रतिशिर्डी में आए थे तो और अच्छे से दर्शन ले लिए, और उसकी कुछ जानकारी है जो मैं आदित्य से पूछूंगा, आदित्य अच्छे से बता पाएगा आपको, मुझे भी है बट इतनी जानकारी नहीं है जितने की आदित्य को है, थोड़ा टोन पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सो आदित्य मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ और आप जानकारी बता दीजिए हमारे यूज़र्स को, क्योंकि मैं बताऊँगा बट कभी कभी नया चेहरा भी चाहिए ना मेरे ब्लॉग्स में, तो आज का नया चेहरा आप हो, तो मैं कैमरा लेता हूँ अभी और आप रिकॉर्डिंग कीजिए।
सो आदित्य आप बता सकते हो, अभी आप ऑन कैमरा हो। सो गाइस थोड़ा जोर से। सो गाइस अभी हम यहाँ पे प्रतिशिर्डी में हैं, तो आप अगर प्रतिशिर्डी आना चाहते हो तो यहाँ से आप दो रास्ते से आ सकते हैं। यहाँ से एक ओल्ड मुंबई हाईवे है, ओल्ड मुंबई हाईवे से आने के बाद यहाँ पे सोमाटने का टोल नाका है, टोल नाका से आपको लेफ्ट लेके यहाँ पे सुसगांव नाम का एक गांव है, सुसगांव या शिरगांव, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बढ़िया जगह भी है, आप कार लेके भी आ सकते हो और टू व्हीलर पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो अभी अंदर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा वीकेंड होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो मैं तो कहूँगा कि वीकेंड के दिन मत आओ। अगर आपको अच्छे से दर्शन लेना है तो आप वीकडेज में आ सकते हो और यहाँ पे दर्शन ले सकते हो। दर्शन लेने के बाद यहाँ पे बहुत कम रेट में आपको साईं बाबा का प्रसाद मिलता है, जो कि ओनली 20 रुपीज़ उसका चार्जेस लगता है। और यहाँ पे आप फैमिली ट्रिप यानी कि एक दिन का फैमिली के साथ ट्रिप भी बहुत बढ़िया से मना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। सो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भाई साहब ने दे दिए। यहाँ पे आपको अच्छे से खाना भी मिल सकता है, मतलब प्रसाद के रूप में कम पैसों में आप खा सकते हो। जैसे कि जो शिरडी है, एक्चुअल शिरडी, वहाँ पे भी वो सेम एज इट इज़, जैसे कि द्वारका माई उदी जैसे मिलती है, यहाँ पे भी उदी है। और अभी हम द्वारका माई के एग्जैक्ट सामने ही खड़े हैं। द्वारका माई में गए थे दर्शन लिए, बट वहाँ पे तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है, सो वहाँ की मतलब वहाँ के वीडियोस हम नहीं निकाल पाए। और अच्छे से घूम भी लिया है और शांत, मतलब गार्डन है पीछे, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे आप शांत बैठकर स्पिरिचुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर वही है तो अभी ऐसा है कि सब लोग वीकेंड पे कहाँ घूमने जाते हैं, तो अगर इस जगह पे आप आते हो तो एक श्रद्धालु बोल के यहाँ पे ज़रूर साईं बाबा का प्रसाद खाना, ताकि हाँ। वो जो अमाउंट यहाँ पे जो कलेक्ट करते हैं तो वो ये सिर्फ टेम्पल के लिए उसका यूज होता है, राइट। तो 20 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है हमारे लिए, तो आप कभी भी आ सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। एक पुणे मुंबई हाईवे पे ही है, मतलब थोड़ा अंदर है, बट अगर आप एक बार हाईवे पकड़ लेते हो तो आपको आसानी से कोई भी इसका रास्ता बता देगा, और अगर नहीं भी बताया तो मैं लोकेशन इस पर डाल दूँगा। तो चलो अभी आगे का प्लान देखते हैं क्या है हमारा, अभी तक सोचा नहीं है, और थोड़ा घूमते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो गाइज अभी दर्शन तो ले लिए, लेकिन आप यहाँ पे पीछे भी देख सकते हो, आपको दिखेगा नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे मस्त खाना खाने के लिए भी वो लोग, मतलब फैमिली के साथ। अरे यार कॉल आ गया, एक मिनट। यहाँ पे पीछे मेरे पीछे देख सकते हो कि आप फैमिली के साथ अगर आते हो तो आप यहाँ पे घर से लाया हुआ लंच, अगर आपको यहाँ पे खाना यानी कि प्रसाद लेना नहीं है तो आप यहाँ पे आके शांति से आपके फैमिली के साथ लंच भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया नारियल की छाव भी है, तो बहुत अच्छा मौसम भी है और एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप ज़रूर आइएगा। और हम घर से आने वाले थे, 4-5-6 लोग आने वाले थे, बट हर्षल, निखिल और अक्षय ने मना कर दिया था आने के लिए, बट उसके बाद वो रेडी हो गए आने के लिए। अभी वो एग्जिट गेट पे है, मतलब एंट्री, जहाँ से एंट्री करते वहाँ पे वो आए, सो उनसे हम बात करते, उनसे मिलते और उसके बाद हम निकलते। चलो यस। गाइज देखिए, ये लोग हमारे साथ आने वाले थे लेकिन हमारे साथ आए नहीं, अभी हमारा पूरा दर्शन होने के बाद ये निखिल हम जा रहे ये हर्षल यहाँ पे और ये भाभी का भैया, ये लोग हमारे साथ आए नहीं थे लेकिन अभी आए हैं, अभी ये दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो मिलते हैं बाद में। भूख लगी थी, पेरू ले लिया मीठा है ना, गन्ने का ट्रैक्टर दिखा दो गन्ना बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है और नरम भी बहुत है मीठा है। हम निकल गए घर पे, कुछ प्लान नहीं अभी आगे का,